वापस आके, क्योंकि यहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोग के लिए, बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है। और सबसे अच्छी बात है कि वो हमारे फ्रेंड सर्कल से बिलोंग करती है। और हम लोग आज के दिन के लिए बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि इतना इजी नहीं होता यहाँ तक भी पहुँच पाना, जितना ना जितना वो बात की बात है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं है। और एक ट्राइबल गर्ल होके रिया यहाँ वहाँ तक पहुँची और इतना कुछ मतलब बाकी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन खड़ा करी, तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं जी। मुझे बहुत खुशी हो रही है रांची वापस आके, क्योंकि यहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। और इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अपने झारखंड को, अपने कल्चर को, ट्रेडिशंस को इतना पीसफुली और इतनी अच्छी तरीके से मैंने मिस इंडिया प्लेटफॉर्म में रिप्रेजेंट किया। और यहाँ पे आके इतना लव मिला, इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है मुझे, इस चीज़ के लिए मैं दिल से बहुत शुक्रिया हूँ। थैंक यू सो मच। आप पहले तो आप सभी को जोहार। मैं रवि तिगा और मेरी फ्रेंड रिया तिर्की। अभी हम लोग जितने भी फ्रेंड्स हैं, हम लोग सब यहाँ पे आए उनका वेलकम करने के लिए। वो एक ऐसा अचीवमेंट हासिल करके आई है जिससे हम सभी को बहुत प्राउड फील हो रहा है, और आई थिंक होना भी चाहिए, क्योंकि पहली ट्राइबल गर्ल है जो फेमिना मिस इंडिया में हो करके आई है उसके फिनाले से, और मिस झारखंड है। और हम लोगों को अभी भी मतलब ऐसा महसूस हो रहा है, दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि भाई अब ऐसा कुछ हो सकता है कि अपना झारखंड भी कहीं परचम लहरा सकता है। और लड़कियां जो यहाँ की बहुत जिन्हें अंडरडॉग समझा जाता था, आज उनमें से एक बाहर निकल के अपना परचम लहरा के आई है। तो मैं उनके नाम के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप लोग भी बाहर निकले, अपने बच्चों को सपोर्ट करें और उन्हें झारखंड का नाम रोशन करने में जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अच्छे क्षेत्र में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, ब्यूटी हो, ग्लैमर के वर्ल्ड हो, एक्टिंग हो, प्लीज़ उसमें भेजें और हमारे झारखंड का और देश का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच।